तो जो लोग गेट की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल गेट क्रैकर्स पे जुड़ जाइए। यहाँ पे लगभग 600 वीडियोस और इससे भी ज्यादा 600 प्लस वीडियोस डले हुए हैं। सारे के सारे फ्री हैं, आपसे कभी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। सारे सब्जेक्ट का फुल सिलेबस कंप्लीटेड है। कुछ एक दो सब्जेक्ट हैं जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम अभी थोड़ा सा रह गया है और ये वाला सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर रह गया है, तो ये हम धीरे धीरे करके कंप्लीट करा देंगे। तो ये सारे के सारे वीडियोस फ्री हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे आप आज से तैयारी स्टार्ट करें और गेट के एग्जाम तक आते आते आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको ध्यान देना है कि वीडियोस देख देख के आपको नोट्स बनाना स्टार्ट करना है। और वीडियोज कैसे देखना है, इस तरीके से देखना है कि लास्ट में रिविजन के लिए आपका 45 डेज जो है वो बचा रहे। 45 डेज आपको रिवीजन के लिए रखना है। तो जब से भी आप ये वीडियो देख रहे हो वहां से काउंट कीजिए कि 45 डेज हटाने के बाद आपके पास टोटल कितने महीने बच रहे हैं गेट की तैयारी करने के लिए। उतने महीनों के हिसाब से आप देख लीजिए कि पर मंथ आपको कितने वीडियो देखना पड़ेगा जिससे कि आप 600 वीडियो कंप्लीट कर लो। बल्कि 600 से ज्यादा ही वीडियो है, 650 के आसपास है और अभी कुछ सब्जेक्ट थोड़ा से बचे हुए हैं, कुछ वीडियोज और अपलोड करना है, तो 700 करीब वीडियो हो जाएंगे सिर्फ ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की थ्योरी के वीडियो। तो आपको कुछ इस तरीके से वीडियोस की स्ट्रेटजी बनाना है कि हर महीने ऐसे वीडियो देखो कि पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और गेट के एग्जाम से पहले आपके 45 डेज बचे रहे रिवीजन के लिए, और साथ ही साथ आपको नोट्स बनाते जाना है। अब आपको करना क्या है कि जैसे ही हमारा एक सब्जेक्ट का कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो कोई भी एक प्रैक्टिस बुक जैसे कि कनोडिया की ओल्ड वर्जन आती है जो कंबाइन सब्जेक्ट वाली, सस्ती भी आती है, सेकंड हैंड ले लीजिए, या कोई और भी बुक जो भी आप लेना चाहें, उससे आपको क्या करना है कि जो टॉपिक हमने वीडियो में देख के कंप्लीट कर लिया है उस टॉपिक के आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस करने में आपको ध्यान ये रखना है कि क्या ऐसा कोई पार्ट है जो आपने नहीं पढ़ा या वीडियो में नहीं देखा। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वो हम कवर करा देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने पढ़ लिया है लेकिन इसमें क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो वो टॉपिक को आप दोबारा वीडियो देखिए और दोबारा कंप्लीट कीजिए। और खास तौर से जिन जिन क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो रहा है, डाउट आ रहा है, उनको नोट कर लीजिए जिससे वो रिवीजन के टाइम पे काम आए। तो यहां भी एक नोट्स बनते जाएंगे और यहां वीडियो से भी नोट्स बनते जाएंगे। इसके बाद कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में एक चीज विशेष तौर से ध्यान रखें, कई बार क्या होता है आप लोग टेस्ट देते हो तो मार्क्स नहीं आते हैं अच्छे, तो आप डिप्रेस हो जाते हो। आपको डिप्रेस बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करोगे तो जो टेस्ट सीरीज होती है वो गेट के कंपैरिजन में टफ टेस्ट सीरीज बनाई जाती है, जिससे कि क्या होता है कि अगर आप टफ टेस्ट सीरीज दोगे तो आपका लेवल जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा। तो टेस्ट सीरीज बनाने वाला ये ध्यान रखता है कि वो गेट के लेवल से ऊपर बनाता है थोड़ा, तो अगर उसके क्वेश्चंस कम बन रहे हैं तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। आप कंपैरेटिव चेकिंग कीजिए। कंपैरेटिव चेकिंग कैसी कि आप ये देखिए कि आपकी रैंक कितनी आ रही है, ना कि मार्क्स। आपको मार्क्स नहीं देखना, आपके 50 में से 20 मार्क्स आ रहे हैं चलेगा, लेकिन ये देखिए कि कितने लोग हैं जिनसे आप आगे हैं और कितने लोग हैं जिनसे पीछे हैं। तो वो कंपैरेटिव आप टेस्टिंग कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पीछे करने की कोशिश कीजिए। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भी आपको वही ध्यान देना है कि जब आप टेस्ट दे रहे हो, फिर से यह देखिए एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, उस टॉपिक का आप टेस्ट दे दीजिए। जब उस टॉपिक का आप टेस्ट दोगे तो उसमें अगेन ध्यान देना है कि क्या कोई नया टॉपिक आपको मिला जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं ऐड कर दूंगा कोशिश करके। और क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया था लेकिन नहीं बन रहा है, अगर ऐसा है तो दोबारा से फिर से क्या कीजिए, उसको दोबारा वीडियो देख लीजिए और उसके भी नोट्स बनाते जाइए। जो आपको लग रहा है कि भूलने वाली चीजें थी, यहां से कुछ नई चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाने पे ध्यान देना है कि ये तभी उठाएं आप जब आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पूरा हो जाए। ये दोनों चीजें आपको टॉपिक वाइज करना है। एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक कंप्लीट हुआ तो ये कर लीजिए, फिर उसके बाद ये कीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, देन टेस्ट सीरीज कीजिए, फिर दूसरे टॉपिक की प्रैक्टिस, देन टेस्ट सीरीज, तीसरे टॉपिक की प्रैक्टिस, देन टेस्ट सीरीज। जब आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उस सब्जेक्ट के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, और यही चीज आपको बार बार करते जाना है हर सब्जेक्ट के लिए। एक और चीज ध्यान रखना है, अच्छा होगा कि पैरेलल में आप दो सब्जेक्ट चलाएं। पैरेलल में दो सब्जेक्ट चलाने से क्या होता है, आपका माइंड जो है थोड़ा सा ब्रॉड होता जाता है। आप माइंड ब्रॉड कैसे होता है कि कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि एक सब्जेक्ट जब पढ़ लिया और उसके बाद जब दूसरे सब्जेक्ट पे आते हैं तो पहला भूल जाता है, लेकिन जब आप दो पैरेलल में चलाओगे ना तो आपकी जो कैपेसिटी है वो आपकी धीरे धीरे बढ़ जाएगी चीजों को याद करने की, अलग अलग लॉजिक्स को एक साथ पैरेलल में ले जा रहे हो।
और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जैसे जैसे जब दो ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएं और आप आगे के दो सब्जेक्ट पे पहुंच जाते हो, तो ये प्रीवियस के दो सब्जेक्ट को भी लेके चलना है। ऐसा नहीं कि आगे के दो सब्जेक्ट पे पहुंच गए और ये कंप्लीट हो चुके तो इन्हें भूल जाओ। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि पहले स्टार्टिंग में देखिए आप दो सब्जेक्ट का ये कर लीजिए, क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कर लीजिए। जब ये दो सब्जेक्ट की ये चीजें कंप्लीट हो जाए और आप पहुंचे कहां पे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे इन्हीं दो सब्जेक्ट के, तब उस टाइम पे ही नए दो सब्जेक्ट के आप वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ऑनलाइन टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। और जब इन दोनों नए दो सब्जेक्ट का ये कंप्लीट हो जाए और नए दो सब्जेक्ट में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे चले जाएं, तो अगेन नए दो सब्जेक्ट स्टार्ट कर दीजिए, फिर से वीडियो देखना और इन दो सब्जेक्ट्स के आप क्या करने लगिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने लगिए, और जो पुराने दो सब्जेक्ट और पुराने दो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप नोट्स रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए तो बेटर होगा। और ऐसा करते करते आपको टारगेट सेट करना है कि गेट के एग्जाम के 45 डेज पहले तक आपका ये पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाए। जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो जो ये आप यहाँ यहाँ और यहाँ और यहाँ नोट्स बना रहे थे, वो नोट्स का आपको यूज करके लास्ट के 45 डेज में आपको क्या करते जाना है, रिवीजन करते जाना है। और ऐसा करते जाओगे तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये तो हो गया गेट की तैयारी कैसे करना है। और गेट क्रैकर्स आपका जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ये सारे सब्जेक्ट के आपको वीडियोस मिल जाएंगी, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, EMT, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, माइक्रोप्रोसेसर के अभी नहीं डले हैं, धीरे धीरे करके हम डाल देंगे। इसके बाद जो लोग अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जिन लोगों की इंजीनियरिंग हो गई है उनको भी इस चैनल पे कुछ ना कुछ मिलेगा। देखिए ये चैनल है दूसरा गेट क्रैकर्स सपोर्ट, जो मेनली जैसे गेट क्रैकर्स चैनल मेनली थ्योरी पे फोकस करता है, वैसे ही गेट क्रैकर्स सपोर्ट जो है वो मेनली प्रैक्टिकल पे फोकस करता है, साथ ही साथ PSU पब्लिक सेक्टर्स की जॉब की बाकी चीजें जो नॉलेज है रिटेन और इंटरव्यू से रिलेटेड उस पे फोकस करता है। तो इस चैनल पे आप जाओगे तो आपको CRO ऑपरेट कैसे करते हैं, उससे डिफरेंट डिफरेंट वेवफॉर्म्स कैसे जनरेट होते हैं, उस पे कोई भी सर्किट को कैसे टेस्ट करते हैं, वो सारे वीडियोज मिल जाएंगे। फंक्शन जनरेटर, डिजिटल मल्टीमीटर कैसे ऑपरेट करना होता है वो आपको पता चल जाएगा, ब्रेडबोर्ड क्या होता है, उसमें कैसे सर्किटरी डिजाइन करते हैं, कुछ माइनर प्रोजेक्ट, कुछ मेजर प्रोजेक्ट के वीडियोस उस पर मिल जाएंगे, मोटिवेशनल वीडियोस मिल जाएंगे। इसके बाद कभी कभी हम लाइव भी आते हैं इस चैनल पे तो लाइव वीडियोस मिल जाएंगे। BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ISRO और अदर PSUs के इंटरव्यू और रिटन के एक्सपीरियंस आपको मिल जाएंगे कि कैसे इंटरव्यू फेस करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं रिटन में। तो इसमें भी काफ़ी वीडियोस डले हुए हैं, 70+ वीडियोस डले हुए हैं और वीडियोस डालते जा रहे हैं। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, गेट क्रैकर्स सपोर्ट को। तो ये भी आपको एक टाइप से सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये गेट क्रैकर्स जो यूट्यूब चैनल है उसको ये सपोर्ट देने के लिए होता है, क्योंकि हम सिर्फ थ्योरी थ्योरी पे फोकस करते रहते हैं और प्रैक्टिकल को पीछे छोड़ देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो ये चैनल जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है, तो गेट क्रैकर्स सपोर्ट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और गेट क्रैकर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों चैनल मिलके आपको काफी नॉलेज देंगे। और देखिए गेट क्रैकर्स और गेट क्रैकर्स सपोर्ट दोनों ही फ्री यूट्यूब चैनल हैं, इस नाम से ना ही इसकी कोई कोचिंग चलती है, सारा का सारा मटेरियल फ्री है। और इसका मोटिव ही है कि जो स्टूडेंट फीस देके कोचिंग्स में नहीं जा पा रहे हैं उनको नॉलेज मिले फ्री में। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ऐसे स्टूडेंट तक इन वीडियोस को पहुंचाएं जिनको की ज़रूरत है, जो दूर कहीं रहते हैं जहां पे की कोचिंग अवेलेबल नहीं है, या कोचिंग अवेलेबल है लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो पैसा खर्च करके कोचिंग में जा सकें, तो ये लिंक उनके पास पहुंचेंगी तो उन्हें फ़ायदा होगा। साथ ही साथ ऐसे लोग भी होंगे जहां पे उनके कॉलेजेस में प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं, तो ये दूसरा जो चैनल है गेट क्रैकर्स सपोर्ट, वो वीडियोस अगर उनके पास पहुंचेंगे तो वो घर बैठ के प्रैक्टिकल कैसे करना है वो सीख जाएंगे। इसमें हमने कुछ ऐसी चीजें भी बताई हुई हैं कि कुछ कंपोनेंट आप घर पे खरीद लीजिए तो घर पे आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। तो ये दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना ज्यादा ही ज्यादा हो सकता है शेयर कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कॉन्टेक्ट करते रहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच और गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।